नेशनल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ अब्रार उल खान। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के कई नेता इस वक्त जेल में बंद है और इसको लेकर जिस ढंग से सड़कों पर अब लड़ाई आ चुकी है, चूंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता दोनों सड़कों पर उतर चुके हैं। दरअसल इस वक्त इतनी ज़्यादा जद्दोजहद दोनों ही तरफ से इसलिए भी देखने को मिल रही है क्योंकि चुनाव नज़दीक है और इसको लेकर जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि मामला और भी ज़्यादा गहराता चला जा रहा है और आज का दिन काफ़ी बड़ा भी होने वाला है क्योंकि आज बड़ी सुनवाई भी है इस पूरे मामले को लेकर। तो जाहिर सी बात है कि ये माना जा रहा है कि अब इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भी राहत मिल सकती है क्योंकि इसको लेकर संजय सिंह भी कहीं ना कहीं लगभग 6 महीने से ज़्यादा समय से जेल में बंद थे, लेकिन आखिरकार उनको ज़मानत मिल गई। लेकिन अब क्या इसको लेकर जो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी बातों को रख रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं कि वो सत्ता को जेल से ही चलाएंगे, इन बातों में कितनी ज़्यादा संभावनाएं नज़र आती है। क्योंकि अब तक अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने एक दो आदेश को जारी कर कहीं ना कहीं भाजपा को डराने की या फिर आप कहें कि राजनीतिक रूप से चुनौती देने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने मकसद में सफल है क्योंकि लगातार पार्टी के कई नेता अब भी जेल में बने हुए हैं, जेल में बंद है। तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की छवि को एक बड़ा नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। हालांकि इसको लेकर अब कोर्ट का क्या रुख रहने वाला है क्योंकि वकीलों की तरफ से इस पूरे मामले पर कैसे पक्ष रखे गए हैं, जिसको लेकर साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि स्थिति कहीं ना कहीं अब उनके पक्ष में जाती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के।